आज निकल जा, मुड़ के तेरा सारी जिंदगी मेकअप कराएंगी। ये तो मैंने पहनना था। के मिली रोशनी। भूख लग रही है। फातिमा की प्लेट देखें, ओ माय गॉड। ये जो है ना सब लेके आओ, जो जल्दी जाओ। बच्चे बच्चे मेरे कपड़ों पे नहीं गिरा रहा। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ हिरा फैसल। और आज हम लोग जा रहे हैं एक शादी पे, मतलब एक मेहंदी पे। किसकी है वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा। अभी फिलहाल वी आर गेटिंग लेट, तो हम लोग फटाफट से तैयारी करने लगे हैं और सारी चीज़ें आप लोगों को भी दिखाती हूँ। दिस इज़ द ड्रेस आई एम गोइंग टू वेयर। ये वाला अभी मुझे देखना है कि ये फिट आता है कि नहीं। मैं ट्राई भी नहीं किया मैंने एक दफ़ा भी। तो गाइस हमें फटाफट से ये खुद ही प्रेस करना पड़ा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं इस ड्रेस के साथ कौन सा हेयर स्टाइल बनाऊँ, कौन सी ज्वेलरी पहनूँ, बिकॉज बहुत ही सडन सा प्लान बना है। और बिल्कुल यहाँ पर धुएँ आ रहे हैं, इतनी ठंड है, ठंड में कहीं जाने का दिल भी नहीं करता है। सो देखते हैं। भाई ये फातिमा का ड्रेस फाइनल हो चुका है, तुमने पहन लिया, रेडी हो चले? हम निकले। जो था ना वो चेंज था थोड़ा, हाँ, बट पता क्या ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है ये। हम के नीचे से अगर फैंसी है तो ऊपर से मैं लाइट रखूं थोड़ा, हाँ। फिर वो फंस रहा था क्योंकि मेरी शादी नहीं, आई एम नॉट ब्राइड। फिर भी फातिमा तुम ऐसे भी लग रही हो कि बहुत अच्छी वाली दुल्हन लग रही हो। सोचो मैं अपनी शादी में कितनी ब्यूटीफुल, अपनी शादी पे कितनी ब्यूटीफुल होगी। पता नहीं लोग कहते हैं कि अगर आप अभी ज्यादा तैयार हो जाओ तो शादी पे आपको रूप नहीं आता। इज दैट ट्रू? अगर ट्रू है तो मुझे कमेंट में बताना। रूप का क्या सीन है कि आप इतने पहले प्यारे प्यारे हो रहे थे, बाद में शादी पे जितना मर्जी से तैयार हो, वो अच्छा वो पैर ज्यादा प्यारी थी, तो ये सीन होता। हाँ कि यार अच्छा इसको तो इस लुक में देखा हुआ है हमने पहले, बट नहीं जो हम जब छोटे होते थे ना तो कहते थे वो ना शेप ना बढ़ाओ, मतलब ना कटवाओ, अच्छा नहाना नहीं है 2 दिन 3 दिन है। मैंने कहा नाना क्यों नहीं 2 दिन? कहते जब तैयार हो गए आओगे ना ईद वाले दिन तो रूप चढ़ जाएगा। मतलब पहले 10 दिन नहाना ही नहीं है। नहीं वो तो वाकई रूप चढ़ेगा जब आपको 10 दिन वो गंदा देखने की आदत हो जाएगी। जब एक दिन नहीं हो गया तो वो तो डेफिनेटली ये एक मिथ्स है बनाए हुए। सही है भाई, क्या कह रही हो? मेरा प्रेस नहीं करना? नहीं, मैं तो इधर काम वाली बाई लग रही हूँ जो सबके कपड़े प्रेस करने खड़ी हुई है यहाँ पे। कर दो। नहीं तुम्हारे वैसे आई थिंक प्रेस हुआ हुआ वेलवेट है शायद, उसको जरूरत नहीं है उस तरह से। It's okay. और अगर होने वाली जरूरत होती भी ना तो फिर भी नहीं मैं करती, अपने अपने कपड़े खुद करो। You're always welcome. So now it's time to check कि ज़ैनब का जो ड्रेस है वो प्रेस के काबिल है या नहीं है। मेरे सब मुझे लग रहा है कि है a bit of it, हल्का सा है, हल्का हल्का करवा लो। मामा को मामा आपको मेरा ड्रेस नहीं अच्छा लगा? ज़ैनब ये क्या हरकत की है तुमने? ये मतलब क्या, मेरे दोनों चीज़ें मेरे हाथ में थमा के, मेरे हाथ में ये भी नहीं देखा तुमने कि कैमरा है, और तुमने ये दोनों चीज़ें मेरे हाथों में डलवा दी हैं। और जो जिस काम के लिए होता है उसे उसी काम के लिए यूज़ करना पड़ता है। तो भाई हम अपना ड्रेस ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। चुप चुप के हम लोग जाके फटाफट रेडी होते हैं क्योंकि बाद में इन्होंने मुझे कहना है मेरा मेकअप कर दो, मेरा मेकअप कर दो, मेरे बाल कर्ल्स कर दो, और फिर मेरा कुछ भी नहीं होना है। सो हम लोग चुप करके यहाँ से ऊपर जाते हैं, आराम से मेकअप करते हैं, अपनी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि क्या पहनना है क्या नहीं, और फिर हम लोग निकलते हैं। आज हीरू ने मेरे कर्ल्स करने, वो आपको एक ट्यूटोरियल देगी। कर्ल्स करना बहुत बदतमीज़ हो तुम। आज तो मुझे कोई बुलाए भी ना, ना कर्ल्स के लिए ना मेकअप के लिए। सच में मैं ऐसे फिरूंगी, देखो मैं अपने कपड़े लेके खिसक रही हूँ यहाँ से। तुम्हारी तरफ से एक और मेरा काम पेंडिंग है और तुमने कहा था कि तुम्हारी लाइफ टाइम खिदमत करूंगी उस काम के बदले। क्या था मेरे लिए? तुम्हारे लिए एक मैंने वीडियो एडिट की थी। वो मैंने खुद नहीं जी, मैंने की थी। दिमाग मेरा था, हाथ आपके थे। बनाई भी मैंने थी ज़ैनब, आइडिया भी मैंने दिया था। कहा खिसकने मुझे ना, मैं सोने जा रही हूँ, मैंने नहीं जाना। मैं भी ऊपर आ रही हूँ। खबरदार तुम आई तो ज़ैनब, तुम करती है ऐसे आके मेरा भी ये कर दो, मेरा भी वो कर दो। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने रूम में। थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइट्स ऑन करते हैं। ज़ैनब क्या मैंने कहा है? वेलकम। मैंने क्या कहा है अभी तुम्हें कि पहले मुझे रेडी हो लेने दो। निकलो बाहर अभी 1 मिनट यार इस रूम से। आउट आउट। आपका मेकअप कॉपी करूंगी अब पता है। अच्छा मेरे बाल सजा दे रहे हैं मुझे, इतनी जोर से उठके हैं। ठीक है हीरू चलो तैयार। पता है ये क्या करेगी? मैं बेस लगाऊंगी, ये बेस लगाएगी। मैं कॉन्टोर करूंगी, ये कॉन्टोर करेगी। मैं नाक में उंगली डालूंगी, ये भी नाक में उंगली डालेगी। नहीं तुम यही करने वाली हो। तुमने यही करना था ना। प्लास्टिक ऐसा नहीं करूंगी। चलो लेट्स सी। लेकिन तुम मेरी प्रोडक्ट्स नहीं लगाओ। देखो 1 मिनट एक ट्रांसफॉर्म नालो के मेकअप बाय एंड हेयर स्टाइल बाय हीरा फैसल। चल निकल कभी पूरी नहीं। सच में जाओ भाई। रुको तो मैं कर रही हूं ना। नहीं मैं करती हूं। मैं आज निकल जा, मुड़ के तेरा सारी जिंदगी मेकअप करांगी। देखो ना, हाँ हाँ वैसे आऊंगा। अब मैं बताती हूँ, पता कैसे ट्रांजिशन कंप्लीट होगी। हाथ पीछे लेके जाओ, अगेन करो, पीछे जाओ। अब जाओ। नहीं, ये ट्रांजिशन वैसे ही कंप्लीट करनी, मैं जब तैयार हो दूंगी तब कर जाते हैं। चलो ठीक है, अभी मुझे खुद पता नहीं है मैं क्या डिसाइड पहन रही हूँ क्या नहीं, मतलब मैं क्या अपनी लुक के साथ कर रही हूँ, आई डोंट नो। देखो ये मैंने मेकअप हिरापी का कॉपी किया, बहुत अच्छा लगा। अभी इनकम्प्लीट है, अभी बहुत इनकम्प्लीट मेकअप है। मुझे अब हिराब पे कंट्रोल करना है। ये मेरा शागिर्द है, मैं इसकी टीचर हूँ। कंट्रोल करो, आप लोग भी सीख लें कैसा करती है। कैसे करो? वैसे एक बात बताऊँ, कॉन्ट्रोल को लेकर आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बस चोंच लें, छोटे बच्चों को कॉन्ट्रोल की वैसे इतनी जरूरत भी नहीं होती, सच में होती है। मुझे So guys, finally हम लोग हो चुके हैं रेडी। अभी फातिमा मैडम रेडी हो रही हैं। दिस इज माई लुक, और अभी किसी को ढूंढती हूँ ताकि वो आपको मेरी फुल लुक दिखा सके। ये थोड़ी मेहंदी वाली लुक बनाई है मैंने, बालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो पीछे मैंने चुटिया बना ली और थोड़ा सा ब्राउन से कलर का लिप शेड लगा लिया। एंड ये मैडम्स अभी भी तैयार हो रही हैं। ज़ैनब आओ बनाओ तुम्हारी ट्रांजिशन वीडियो। लिपस्टिक, अब मैं एक मिनट लिपस्टिक लगा लूँ, लिपस्टिक दिखाओ ज़रा। ओह नाइस। आपको एक बार बता दूँ, इसने मेरा पूरा मेकअप मेरे साथ साथ इसको ट्यूटोरियल मिला है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन फिर भी हम दोनों का डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि तुमने स्टाइलिंग अपने ड्रेस के लिहाज से डिफरेंट की है, अपने मेकअप की भी स्टाइलिंग होती है। खैर होता है, हर किसी का टैलेंट डिफरेंट होता है। आप अपन इसको कहते हैं इंस्पिरेशन, नॉट कॉपी करना। हिरापी को देखो जरा आप। मैंने नीचे ट्राउजर नहीं चेंज किया यार, मुझे भी क्लच चाहिए। हीरू को भी क्लच चाहिए, मुझे भी क्लच चाहिए। मुझे बिंदिया या नेकलेस, हाँ मेरा नेकलेस। ये देखो मुझे नेकलेस की शदीद जरूरत है क्योंकि आप बहुत प्लेन प्लेन सा लग रहे हैं। और बिंदिया नहीं मैं पहनूंगी क्योंकि हाँ बिंदिया अच्छी नहीं लगती। बाकी आपने मेरी लुक नहीं ना दिखाई पूरी। मेकअप का क्रेडिट दूंगी मैं हिरापी को, कर्ल्स का क्रेडिट दूंगी हिरापी को, ड्रेसिंग सेंस का क्रेडिट दूंगी अपने आप को। और हिरापी इतनी लंबी क्यों लग रही है? बिकॉज़ मैंने अभी हील्स पहननी है। मुझे भी हील पहन के बहुत अच्छा लगा। रुक जाओ, मैं दुपट्टा लूंगी फिर फुल लुक दिखाऊंगी। चलो जब हिरापी दुपट्टा पहनेगी तब उसको फुल, मेरा कोई दुपट्टा नहीं। वो पहले तो मैंने पता है ये सोचा था मैं पहले ये नहीं पहनूंगी, गले में दुपट्टा कर लूंगी, लेकिन वो ना थोड़ा बेसिक। वेट, ये तो मैंने पहनना था, ये मेरा है हिरापी। हाँ मैंने रखा था, चोर गई की ये मेरा है। आपने बोला था के साथ किया था, तुम्हें कैसे दे दूं ज़ैनब? लग रही हो थोड़ा वो वाली मैं। अभी 2 सेकंड नहीं लगने आपको, मैंने खराब कर देना। मतलब अपना हाथ लेके आओगी मेरे हाथ, खराब करके चली जाओगी और मेरा तो हाथ थिंक की तरह फिरता रहेगा। फिर ऐसे 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 करके, ये देखो ऐसे करके फिरेगा, ऐसे ऐसे फिरेगा, फिर कहेगा कि मैं कभी ज़ैनब का हाथ हुआ करता था। फिर वो ये करेगा। हीरा ने तोड़ दिया मुझे, हीरा ने तोड़ दिया। फिर हीरा की खिदमत करेगा। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। कौन सी लगाई है? बहुत मिक्स यार। वैसे एक बात बताऊँ, ये एक सीक्रेट है, मैंने आईब्रो पैलेट का जो वो ब्राउन कलर नहीं होता शेड लेके सारा साइड पे लगाया था। मुझे हीरापी के तौर पे फिर मैंने 2 लिप कलर्स को अंदर लाइट करना है, लाइट शेड्स लगाए। करो ऐसे। मैं चाहिए इस पे थोड़ा सा ना शिमरी सा भी कुछ करूँ, बट वो मेरे बाल आगे आए थे तो बाल इसके होंठों के चिपक जाते हैं, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। क्यूट मेरा तो आप यार ये इसकी ये वाली पोनी नजर आ रही है, कोई अच्छी सी पोनी नहीं है तो नहीं, मेरे पास पोनी बचपन में आज से कभी पोनियां नहीं बदली, उसको पोनियां बदलना याद आ गई है 2 मिनट। मुझे छोटी क्यों लग रही? क्योंकि मैंने हील नहीं पहनी और मैं आगे को खड़ी हुई। तो तमाशा ना लगाओ, हमेशा तुम हील पहन के मेरे ड्रामे लगाती हो। अच्छा इसको मैं थोड़ा स्पेशल पिन का वो लेके आई हूँ कि मुझे प्लीज कर दो। मुझे वैसे मेकअप तो ठीक है करना आता, बट हेयर स्टाइल इस तरह से नहीं बनाने आते। हेयर स्टाइल सिर्फ राबिया को आते हैं और मुझे आते हैं। कहाँ से मैंने अपना खुद बनाया है तो ये ठीक है। मुझे बाल हेयर स्टाइल मुझे भी आता है। मुझे बाल कर्ल करना ही, तुम्हें नहीं पता मैं कॉलेज में कितना हेयर स्टाइल बनाती थी। क्या बनाती थी? अपने बालों का याद नहीं है तुम्हें? हंच बनाती थी। हाँ हाँ नहीं, तुम्हारा वो हंच मुझसे कभी भी नहीं बना वो जो तुम बनाती थी। जो मैं बनाती ट्राई करती। आउच, खींच लो मेरे बाल आज ही सारे। नहीं अभी आगे करनी है छुट्टियाँ, पीछे हटो। नहीं कुछ पिक्चर्स में आगे कर लूंगी, कुछ में पीछे। कैसी लग रही है? मिली रोशनी, भूख लग रही है। निकले यार अभी, वी आर गेटिंग लेट। यस आई नो दैट, बट व्हाई आई एम लुकिंग स्मॉल, टिड्डा मिड्डा लिडा। क्यों खाना है? चिल कर रहा था मैं। लेट हो रहे हैं, चलो अब हम लोग निकलने लगे हैं, तो अभी बाकी का आप लोगों को ये देखो जाते जाते हीरा ज़ैनब मुझसे किन्नो लेके खा रही है। किन्नो इसने वहाँ से पकड़ा है और मामा छीन के दे रही हैं। जो मेरे सामने आएगा वो किन्नू खाएगा। मामा थोड़ा सा मुझे भी दे दें। देखो अब मैं इसके मुँह में डालती हूँ किन्नू। ये लो हीरा। थैंक यू। एक शिकायत है हमें आपसे, जब हम घर होते हैं तब कोई राइस कोई फिश इस तरह से नहीं बनती, आज स्पेशल बन रही है क्यों? क्योंकि तुम लोग जाओगे तो मजे मजे की डिशें बनाएंगे। हम कौन, आप और पापा। हाँ, क्योंकि हम अकेले भी थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं। आप हमें वैसे ही कहते हैं बेटा आज घर से बाहर ही रहना, घर आने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स गो, हम भी कुछ अच्छा बना के खाते हैं। फातिमा को मैंने तैयार किया। फातिमा इज लुकिंग गॉर्जियस। फातिमा लग रही है पर्पल क्वीन में, हम बाकी लग रहे हैं ग्रीन ग्रीन। चलो ओके मम्मी, अल्लाह हाफिज़। बाय। लिपस्टिक खराब हो जाएगी ज़्यादा। ये देख लो, जो सबसे स्मार्ट है ना वो सबसे हैवी बनी हुई है इस टाइम, पता नहीं चल रहा है। हाँ जी फातिमा है। फातिमा को गेट से निकालने के लिए 2-3 लोग चाहिए। ये होता है नॉलेज। आ जाओ, अल्लाह हाफिज़। अब हमें डैडी जी छोड़ने जा रहे हैं। हाँ जी, मैं तुम्हारे लिए गेट भी खोल के रखूँ ना। आज तो भाई फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। इन औरतों को एक साथ करना ना बहुत मुश्किल है। अब फंस गया हूँ, कोई बात नहीं, 3 लोग हैं आज, क्यों फंसी? फिर भी याद हो सब। नेकलेस कैसा लग रहा है बताए कमेंट में। बहुत 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 अच्छा। एक्साइटमेंट लेवल ज़्यादा ही हो गया। तो से मैडम उतर रही हैं, ये शक्लें यहाँ से उतर चुकी हैं। अब बाबा को हम सी ऑफ कहना है, हमने की वजह से बाबा ने हमें सी ऑफ कहना है। मुझे लग रहा है मैं आज बहुत बुरा गिरने वाली हूँ उसके थ्रू। तुम ब्राइड हो। फातिमा को डर लग रहा है मेरे लहंगे पे कोई पाँव ना दे दे। कोई नहीं देता, डोंट वरी, तुम्हारे लहंगे पे कोई पाँव नहीं देगा। मुझे अपने पे लग रहा है कि मैं गिर जाऊँगी। तो यहाँ पे इस टाइम सेल्फी सेशन चल रहा है फातिमा का और हम लोग का। वी आर जस्ट वेटिंग कि हमारा फोटोग्राफर आया। हमारा फोटोग्राफर इतना अच्छा है, खबरदार हमारे फोटोग्राफर को कोई बात नहीं। तो वो बस आ रहे हैं, जैसे ही आएंगे हम लोग पिक्चर्स क्लिक कराएंगे एंड देन मज़ा करेंगे, इन्जॉय करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी प्रैक्टिस, डांस प्रैक्टिस कह रही हूँ, डांस लोग देखती हो। बहुत सारी शादी को लाइक कमेंट सब्सक्राइब। हिरा फैसल के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनके फॉलोअर बढ़ाएं। प्लीज बढ़ाएं, जल्दी करें, प्लीज 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 जल्दी करें। आप इनके गेट को किस लाइक से बहुत टाइम है, लेकिन अब यकीन नहीं आ रहा था मुझे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, अब शादी में आई नहीं है। ये है बिल्कुल मेरे सारे फैसल के आज का ये लगा के देख लो। मैं यकीन नहीं आ रहा था कि आप लोग क्या आ सकती हैं। शादी शफीक अहमद रोटी खुल चुकी है, ठीक है। तो मैं खाना खुल गया है, तो वही दिल्ली मुराद पूरी हो गई है। फिर अब हम खाना शाना खाते हैं और फिर बाकी का एंजॉयमेंट आपको हम बाद में दिखाएंगे। यहाँ पे सेल्फी सेशन स्टार्ट हुआ है। आई जस्ट लव योर आई मेकअप, सच में। हाँ, आई ऑल्सो एक्चुअली आई एम ऑब्सेस्ड विद माई। मुझे था कि तुम नॉर्मल सा करोगे बट बहुत प्यारा लग रहा है सच में। मैं किसी की मेकअप की तारीफ नहीं करूँगा। तुम्हें क्या लगता है मैं एक आर्टिस्ट नहीं हूँ? मेरे अंदर कला नहीं है क्या? मुझे अच्छी एक्टिंग नहीं आती। क्या कहना चाहती हूँ? मुझे बहुत अच्छा मेकअप आता है। मैं हमारे फोटोग्राफर की कॉल आ रही है, मुझे उसको कॉल कर रहा है और हम लोग उसको बुलाते हैं। यार उसने खाना नहीं खाया, कुछ नमकीन ला के दो ना, पैसे मीठा ला के देना। फातिमा ने किसी चीज़ का वेट नहीं किया, जाते साथ फोटो सेशन स्टार्ट कर लिया कि भाई खाना बाद में, पिक्चर्स पहले। दो फोटोग्राफर्स के साथ चीज़ इन द मेन लाइट हाईलाइट में आई है इस टाइम। तो अभी आपने तीनों का शो, यार मुझे तुम लोग अकेला छोड़ गए हो। तो अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। भूखे लोग खाना खाने जा रहे हैं। खाना भूखे लोग ही खाते हैं, और कौन से लोग? बेगानी खाने पे अब्दुल्ला मुबारक है। ये मीठे चावल लेकिन नमकीन है। अभी ट्राई करके बताती हूँ। नमकीन नमकीन बहुत नमकीन। मज़े क्या? एंड टेस्ट गुड। हम लोग को चेयर भी मिल रही थी तो हमने अपना खाना यहीं पे रख लिया है। ये मैंने दो बंदों के लिए डाला था, एक के लिए लिया। मेरा सोचा कि सारा मैंने ही खाना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिए टेबल लग रही है, अब यहाँ पे बैठ के खाएंगे और टाइम भी हम लोग यहाँ बैठे। ओके कमेंगे, तुम्हें सिर्फ जलेबी मिली है, सिर्फ जलेबी। आई लव जलेबी अ लॉट। कोई नमकीन कुछ खा ले, सिर्फ जलेबी। तो वही खाना खाना खा लिया है, लेकिन इट्स टाइम फॉर जलेबी। जलेबी के लिए हमेशा पेट में मीठे के लिए कहीं ना कहीं जगह होती है। सो मैंने फातिमा को कहा जलेबी खाने दो, तो कहती नहीं पहले मैं पिक्चर्स दे दूँ। मुझे जलेबी खानी है फातिमा, मुझे भी देना। पिक्चर बना ली है। फातिमा की प्लेट देखें, ओ माय गॉड, मतलब लगता है कि ये नन्ही सी जान इतना खाएगी। हाँ जलेबी वाली प्लेट दो, जलेबी फातिमा, जलेबी हाथ में दे देना। स्प्राइट दो फातिमा, पूरी प्लेट दे दो। सेवन अप दो। अजीब बदतमीजी है, मतलब एक एक करके दे रही है। ये आगे करना ज़रा ज़ैनब। अब हम ये खाएंगे, हम व्लॉग बना रहे हैं। अभी हमारा पिक्चर्स बनाने वाली रहती हैं, अभी हम पहले पिक्चर्स बनवाएंगे, चाय पिएंगे। किधर? हाँ गिर रहा है। पर ये क्या कलाकारी लगाई है, ऐसे कौन बैठता है? तुम अपने घर में बैठी हुई हो बिस्तर पे, हीटर लगा दो आगे। मैं जैसा दिल जाएगा वैसे। देखना पीछे बच्चे खड़े हो गए आगे कि हम भी व्लॉग में आ जाए। अब यहाँ पे आएगी कि हम यहाँ से आ जाएं, ये देखें बच्चे यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, शर्मा भी रहे हैं। जलेबी खानी है, कंची खानी है, हमने भी खानी, हमें ला दो कि थोड़ी सी। चाय का पता करके आओगी फातिमा? 10 रुपये दूंगी, ये लेके आओ। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, वहाँ से क्या मिल रहा है, वहाँ पे क्या क्या है खाने में? ये वाली लाइन तो सारी हमने खा के ट्राई कर ली। वहाँ क्या है? हाँ, चाय और गोलगप्पे। और सारे तुम खा गई हो तो हम क्या खाएंगे यार? तुमने हमारे लिए नहीं ना छोड़े गोलगप्पे। गोलगप्पे ले आओ, मैं गोलगप्पे खाने तो आई थी। गोलगप्पे ला दो, मैं सिर्फ गोलगप्पे खाने आई थी, सारे खा लिए। आपको क्या लगता है हम चलते शादी पे हम पता क्या लेना था? खाना खा रहे हो? हाँ। अच्छा गोलगप्पे के अलावा और कुछ नहीं है? वो सोच रही है बेचारी। ठीक है भाई, हमारे सारे गोलगप्पे बच्चे खा गए, हमें खाने को ही नहीं मिले। कोई नहीं, ना बताती ना तो सुकून था, बता दिए तो ज़्यादा दुख हो रहा है। गोलगप्पे ले आओ, अगर पड़े तो जाओ ले आओ, कहीं से ढूंढ लाओ। चावल भी है, चावल खा लिए हमने, देखो पूरी प्लेट फिनिश। गोलगप्पे लाओ ना, वो मेरा दिल चाह रहा है। मैं अपने भाई से कह रही चाय बनी है, चनी। हाँ अपने भाई से को चाय बनी है तो चाय भी ले आओ, और कुछ अच्छा है तो वो भी साथ ले आओ। वैसे सब खाना बहुत अच्छा था, बहुत मजे का था। केक भी है। और मीठे में क्या है? जोजो है ना, जोजो है। अच्छा आपस की बात है, किसी को बतानी नहीं है, ठीक है। जोजो है ना, सब लेके आओ, जाओ ना, जल्दी जाओ। बच्चे मेरे कपड़ों पे नहीं गिरा रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब और क्या लेने जा रही हो? ये जल्दी जाओ, ब्लर आ रही थी मैं। ज़रा अंदर मिठाई नहीं है, नमकीन चाय है। रुक जा ना हम। थैंक यू सो मच बच्चे। इसमें ना चीनी भी नहीं है, चीनी भी लेके आओ। वेरी गुड, कीप ग्रोइंग, यही करती हो। थैंक यू भाई। अब हमारी चीनी भी आ गई है। इस बच्ची ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, थैंक यू। इसको बहुत शौक था ब्लॉग में आने का, तो मैं खुद ही काम करना शुरू हो गई। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं कहा, बाद में मैंने कहा यार ये मिला दो, लेकिन खुद ही से इसने मेरी सारी हेल्प की है, सो वेल डन, थैंक यू। यहाँ पर चालू हो गया फिर से फोटो सेशन, और यहाँ पे जगह खाली कर दी है फॉर द डांस परफॉर्मेंसेस। मैं अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई हूँ यहाँ पे, अपना इवेंट एंजॉय कर रही हूँ। इस इवेंट में ना मुझे मेरी बहनें भी साथ नहीं दे रही हैं, लेकिन एक मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी है यहाँ पे, जिसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, जिसने मुझे खाना ला के, जिसने मुझे चाय ला के दिया। अभी हम बैठ के इतने ज़्यादा गप्पे मार रहे हैं। और मैंने कहा आप कराची से आई हो? नहीं, मैं पाकिस्तान से आई हूँ। मैंने कहा दैट्स वेरी गुड, ये बच्ची पाकिस्तान से आई है, ठीक है। तो अब यहाँ की लाइट्स इस तरह से कुछ हो चुकी हुई है, और हम लोग छोटे बच्चे फ्लोर के ऊपर मत भागिए। आप ही बस कर दो, आधा घंटा हो गया तुम्हें पिक्चर्स लेते हुए यहाँ पे। मतलब यार मेरा कुछ ठीक है, आज मुझे लग रहा है आपकी इंगेजमेंट ना आज है, जितने से चाहते हुए ये पिक्चर्स वीडियोस ले रही है ना, तब किस चीज़ के भंगड़े डाल रही है। खुशी क्या चेक करें, बच्चे की चेक करें। पापा का वेट नहीं कर रहे, पापा शायद ही सामने खड़े हैं जी, ये बाबा खड़े हैं। मैं भूल गई आपसे मिलना, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलो जी बाला टक गए, बाय बाय। तो जी फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, चलो निकलो बाय, लेट्स गो। इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, अब दिल कर रहा है जाऊँ जाके कपड़े चेंज करूँ और बस सो जाऊँ। साफ करना दरवाजा जी आया। जी मैं यहाँ से हीरा आपी ने अपने नाकाम गंदे तरीके से दिखाया और पापा को तरस आ गया, हीरा आपी कामयाब हुई। चलो अंदर चलो, बहुत थक गए। सो गाइज़ हम लोग फ्रेश हो चुके हैं, मतलब अब मेकअप वेकअप उतार लिया है, अब बहुत थक चुकी हूँ मैं, अब सोने लगी हूँ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करने हैं। लव यू, बाय बाय। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो।